चलिए फिर से स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज का जो टॉपिक है ये हम लोग बात करने वाले हैं मगध साम्राज्य के बारे में। इस टॉपिक को हम लोग स्पेशली मगध के ऊपर ही करेंगे कि मगध का उदय कैसे हुआ इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। हाँ, इससे जुड़ी जितने भी राजाएं थे जिन्होंने इस पर शासन किया और क्या क्या गतिविधियाँ हुआ जिसके कारण मगध का अंत हुआ इसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन वो अगले वीडियो में। इसमें हम लोग ये टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरह मगध का उदय हुआ, किस तरह मगध ने 600 ईसा पूर्व से लेकर 320 ईसा पूर्व तक खुद को कायम रखा था एक सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में। आपको पता होगा कि मगध जो है 16 महाजनपदों का एक हिस्सा था जिसमें सबसे ताकतवर इसे माना जाता था। इसे कई जगहों पर कीकट कहा गया है और अर्थवेद में इसका बहुत बड़ी मात्रा में इसके बारे में उल्लेख किया गया है। मगध साम्राज्य कोई ऐसा वैसा साम्राज्य नहीं था, यह एक ऐसा साम्राज्य था जिसने उत्तर क्षेत्र में, भारत के उत्तर क्षेत्र में अपना आधिपत्य जमा के रखा था। यहाँ के शासक बिम्बिसार को पहला शासक माना जाता है जिसने मगध के स्वरूप को ही बदल दिया था। मगध का जो पूरा शासन तंत्र था वह पूरी तरह अस्थाई सेना पर आधारित था, जो पहला अस्थाई सेना था जिसे बिम्बिसार ने शुरू किया था। और क्यों ना हो, क्योंकि मगध एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ पर जितनी भी मात्रा में उपजाऊ क्षमता थी मिट्टी की वो बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पर खेती व्यवस्था काफ़ी सुंदर थी, कृषि व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि यहाँ पर व्यापार जो था वो अपने चौमुखी विकास पर था। इस स्वर्ण काल में मगध ने अपने हर क्षेत्र को ताकतवर बनाया। वर्तमान समय में जिस तरह सऊदी अरब को आप बोल सकते हैं कि वो अपने तेल भंडार को भर करके, तेल भंडार को मजबूत करके अपनी आर्थिक स्थिति को तो सुधार ही रहा है, साथ ही साथ वो अपने भू क्षेत्र और अपने जल की आवश्यकताओं को भी पूरा कर रहा है, उसी तरह मगध ने अपने उपजाऊ क्षमता के आधार पर, अपने कृषि क्षेत्र के आधार पर, अपने व्यापार के आधार पर हर क्षेत्र को जो उसकी कमजोर कड़ियाँ थी उसको मजबूत कर दिया था। उदाहरण के लिए मगध ने अपने व्यापार के तहत अन्य सभी राज्यों को अपना केंद्र बिंदु बना दिया था, क्योंकि जहां सभी राज्य लकड़ियों से बने और इमारती लकड़ियों से बने भवनों का निर्माण करते थे, औजारों का निर्माण करते थे, व्यापार करते थे, हथियारों का निर्माण करते थे, वहीं मगध साम्राज्य जो था वो लोहे से बने हथियारों का इस्तेमाल करता था। मगध साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य था, एक पहला ऐसा साम्राज्य था जिसने लोहे का उपयोग करके हर चीज में अपने आप को आगे बढ़ाया। चाहे भवन निर्माण हो, चाहे हथियार का निर्माण हो, चाहे औजारों का निर्माण हो, मगध साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य था जिसके पास ताकतवर सेना के साथ साथ ताकतवर हथियार था। देखिए आज के समय में भी जिस सैनिक या जिस देश के पास अच्छी सेना, अच्छे हथियार है, वही देश युद्ध में विजयी होता है। और उसी तरह मगध साम्राज्य था जिसके पास अच्छी सेना के साथ साथ अच्छे हथियार भी थे, और इसी कारण कई आस पड़ोस के राज्य जो है मगध के साथ व्यापार करते थे और अन्य देश भी मगध के साथ व्यापार करता था। मगध का उत्तरी क्षेत्र जो था वो समुद्री इलाकों में आता था जिसके कारण वहाँ का जो व्यापार था वो समुद्री मार्ग से ज़्यादा होता था। कई सारे देश जो है वो मगध पर आश्रित थे क्योंकि यहाँ से उपजाऊ की जाने वाली फसलें अन्य देशों में व्यापार होती थी और वहाँ के लोग इसे बहुत उच्च मात्रा में या उच्च दाम पर ग्रहण करते थे। मगध का व्यापार का सबसे बड़ा स्रोत यहाँ की नदियाँ थी। मगध को मजबूत करने का सबसे बड़ा काम जो था वो नदियों ने किया था, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी नदी गंगा का बहुत सारी सहायक नदियाँ थी जिसने मगध के भूमि को उपजाऊ बनाया था, जिसमें आप सोन नदी, घाघरा नदी, गंडक नदियों को ले सकते हैं जिसने बहुत प्रभावशाली रूप से मगध की सहायता की थी। देखिए आप मगध साम्राज्य के बारे में ये भी कह सकते हैं कि यहाँ की जो भूमि थी जितनी मात्रा में उपजाऊ थी उतनी ही मात्रा में यहाँ के लोग अपनी सरकार को टैक्स भरती थी। यहाँ पर भू कर के साथ साथ बहुत ऐसे कर लगाए गए थे जिस पे लोगों का जो उत्पादन था वो ज़्यादा होता था, किंतु टैक्स ज़्यादा देने के कारण उन्हें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हानि भी होती थी, लेकिन इसका पूरा फायदा राजा अपने सुरक्षा तंत्र में लगाता था। यहाँ पर जितने व्यापारी थे, जितने कृषि विभाग के लोग थे, वो राजा के अधीन थे और राजा की बातों का पूरा तरह से पालन करते थे। इसी कारण मगध साम्राज्य जो था अपनी ताकत और अपनी वृद्धि के लिए जाना जाता था। यह क्षेत्र और यह शासक तंत्र जो था ये कभी स्थिर रहा ही नहीं, यह लगातार फैलता गया। यहाँ पर बिम्बिसार और अजात शत्रु ने ऐसे कई नीतियाँ लगाई, ऐसे कई तरह के विधि तैयार किए, कई नियम तैयार किए जिससे मगध साम्राज्य जो था वो अपने चरमोत्कर्ष पर था। यहाँ के हथियार जितने भी बनते थे वो अन्य हथियारों से तो मजबूत थे ही, साथ ही साथ यहाँ के राजा जो थे वो ऐसी रणनीतिक और ऐसी गतिविधियाँ करते थे जिनसे अन्य राज्य जो थे इसके अधीन आ जाते थे।
उदाहरण के लिए बिम्बिसार ने विवाह नीति का प्रयोग किया था हर राज्य को हड़पने में, जिसमें उन्हें काफी ज्यादा उपलब्धियां मिली। कहा जाता ये भी है जिसमें कि बिम्बिसार की 500 रानियां थी और उन्होंने विवाह नीति के तहत, छल कपट नीति के तहत, युद्ध नीति के तहत अपने हर क्षेत्र को हड़पा जो इनके जो मगध में मिलाया गया बाद में, और मगध को एक विशाल गणराज्य बनाया गया। मगध का जो पूरा कार्य क्षेत्र था, जहां एक और ये फसलों और बोल सकते हैं कि प्राकृतिक रूप से मजबूत था, वहीं दूसरी ओर मगध में धार्मिक और बोल सकते हैं कि जितनी भी विचारधाराएं थी जो सांस्कृतिक रूप से थी, ये बहुत अलग थी, क्योंकि यहाँ पर शुरुआत से बौद्ध धर्म और साथ ही साथ जैन धर्म का प्रभुत्व था, और इन दोनों धर्मों ने ब्रह्मचार्य धर्म को बहुत दूर रखा था मगध साम्राज्य से। ब्रह्मचार्य धर्म जो था वो मगध पे बहुत बाद में आया, जिसके कारण ही मगध का जो था विनाश हुआ। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अनुयायी यहाँ ज़्यादा थे, जितने भी राजा थे वो भी लगातार इन्हीं धर्मों का पालन करते थे, इसीलिए यहाँ पर लोगों में छुआछूत भेदभाव जैसी कोई भी तरह की नीति नहीं थी। देखिए, मगध ही एक ऐसा साम्राज्य था जहाँ पर बौद्ध और जैन धर्म का जन्म हुआ, और मगध साम्राज्य ने अपने बहुत ज़्यादा मात्रा में धार्मिक परिवर्तन को स्थिर करके ब्रह्मवादी समाज को रोक करके अपने धर्म और अपने राज्य को बचाया था। मगध साम्राज्य में अधिकतर व्यापार जो था वो लोहा का होता था, क्योंकि यहाँ लोहा का उत्खनन ज़्यादा होता था, जबकि अन्य राज्यों का जो व्यापार था वो लकड़ियों फसलों पर होता था। मगध इतना ज़्यादा ताकतवर था कि यहाँ की जो सेना थी वो पूरी तरह स्थायी तो थी ही, साथ ही साथ राजा के सगे थे, किंतु नंद वंश ने मगध साम्राज्य को फिर से इसको एक बोल सकते हैं कि नष्ट करने का काम किया। नंद वंश ने मगध साम्राज्य को उसके निचले स्तर में ले जाने का काम किया, क्योंकि यहाँ के बाद जो राजतंत्र था वो पूरी तरह बदल चुका था। जहाँ एक समय मगध में उत्तराधिकारी शासन करते थे, वहीं नंद वंश में इतने ज़्यादा षड्यंत्र होने लगे, इतने ज़्यादा मात्रा में राजाओं को मारा जाने लगा, इतने ज़्यादा मात्रा में कुनीतियाँ होने लगी, जिससे मगध साम्राज्य का अंत होना संभव हो गया था। क्योंकि कई सारे सेनापति ऐसा थे जिन्होंने अपने राजाओं का वध करके, अपने राजाओं को मार करके खुद को राजा बनाया, या फिर अपने पुत्र को राजा के रूप में पदासीन करवाया था। इस तरह से मगध साम्राज्य जो था पूरी तरह नष्ट हो जाता है, पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। देखिए, मगध साम्राज्य का जो राजधानी था इसे राजगृह पहले रखा गया था, किंतु बाद में इसे पाटलिपुत्र कर दिया गया। मगध साम्राज्य का जो राजगृह क्षेत्र जो था ये आज भी मौजूद है, और यहाँ पर इसकी सुरक्षा तंत्र के कारण इसे एक तरह से राजधानी नियुक्त किया गया था। ये 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है, जहाँ पर चारों ओर से आप बोल सकते हैं कि किसी भी सेना का हिम्मत नहीं है कि वो अंदर आकर के यहाँ युद्ध कर सके। यहाँ पर जंगलों में कई सेनाओं को छुपाया जाता था, जिससे वे गुप्त रूप से युद्ध करते थे, और इस युद्ध के तहत वो अपने राजा को सुरक्षित रखते थे। तो इस तरह से आज हम लोगों ने जाना कि मगध साम्राज्य किस तरह से शक्तिशाली था और किस तरह से इसके संबंध जो थे वो अन्य देशों के साथ थे। हाँ, इसका एक अलग वीडियो भी आएगा जिसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि यहाँ पर किस शासक ने किस तरह काम किया था। तो आशा करते हैं कि मगध साम्राज्य के उदय और अंत के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।